हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को थैंक यू बोलूंगी बिकॉज रिसेंटली आई कंप्लीटेड माय 10K सब्सक्राइबर्स। सो थैंक यू सो मच। मेरे वीडियोस को आप लोगों ने अप्रिशिएट किया, बहुत सारे अच्छे कमेंट, ढेर सारे लाइक दिए। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। तो चलते हैं आज की रेसिपी पे। आज की हमारी रेसिपी है दही वाले आलू की सब्जी, और ये सब्जी बहुत ही टेस्टी स्पाइसी होती है। इसको देखते ही मुंह में पानी आ जाता है और मुझे तो ये बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 4 आलू जो मीडियम साइज़ के थे उनको उबाल लिया था पहले से, और आधा गिलास दही और आधा गिलास पानी मिला के मैंने अच्छे से फेंट लिया था। तो आइए शुरू करते हैं। गैस पर मैंने पैन चढ़ा दिया है, पैन में ऑयल डाला है 2 बड़े चम्मच। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी जीरा, थोड़ी सी हींग, थोड़ी सी राई भी डाल देंगे। और अब मैं इसमें डालूंगी करी पत्ता, और करी पत्ता को मैं थोड़ा सा मसल के यहाँ पे डाल रही हूँ जिससे कि जो स्मेल है इसकी वो पूरी सब्जी में जो फ्लेवर है इसका वो बनेगा। तो हरी मिर्च लंबाई में कटी हुई, और यहाँ पे मैंने लहसुन डाला है, पर यहाँ पे मैं जो लहसुन डाल रही हूँ वो कूट के डालना है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कूटा हुआ लहसुन जो है उसका फ्लेवर कुछ डिफरेंट आता है, इसलिए मिक्स कर लेंगे इन सब चीज़ों को। अब मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ, तो मैंने हल्दी डाल दी है, नमक डाल देंगे, लाल मिर्च डाल देंगे और धनिया पाउडर डालेंगे। अच्छे से इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, मसाले थोड़ी देर हम पका लेंगे। गैस की फ्लेम को हम लो ही रखेंगे, और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ दही जो हमने ऑलरेडी फेंट के रखा हुआ था, और इसको हम लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो इसमें दाने पड़ जाएंगे, ये फट जाता है। चलाते हुए गैस की फ्लेम को हम फुल कर लेंगे और इसमें उबाल आने देंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें उबाल आ गया है। यहाँ पे मैं डाल दूँगी थोड़ा सा गरम मसाला, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और उबाल आने के बाद हम गैस की फ्लेम को वापस लो कर देंगे। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आलू जो हमने उबाल के रखे हुए थे, पर इन्हें मैं हाथ से इसी तरह से फोड़ के डाल रही हूँ, इससे टेस्ट जो है वो सब्जी का बहुत ही अच्छा बन जाता है। इसलिए आप चाहें तो आप कटिंग करके भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम ये आलू जो है डाल देंगे, और इसके बाद हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलूओं को डालने के बाद इसे हम 2-3 मिनट के लिए पका लेंगे, जिससे कि जो भी मसाले का, लहसुन का, करी पत्ते का जो फ्लेवर है वो आलूओं में भी मिक्स हो जाएगा, और ये सब्जी जो है वो बहुत ही खुशबूदार बनकर तैयार होगी। तो टेस्टी एंड स्पाइसी दही वाले आलू की सब्जी बनकर तैयार है। हरे धनिए से गार्निश करें, और पूरी या चपाती के साथ इसे गर्मा गर्म सर्व करें। और अगर ये वीडियो, ये रेसिपी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।